शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान दूसरा अध्याय आठवीं कहानी सक्षम बचस में आलम्या खूब मंजरस्त वज खूब से वातनम सरे खिजलत फर्दन पेश अर्थात मेरे बाहरी ठाट से लोग मुझे नेक समझते हैं परंतु अपनी भीतरी नीचता के कारण मैं अपना शीर नीचे झुकाए हुए हूँ। एक समाज में समाज का प्रत्येक मनुष्य एक धार्मिक मनुष्य की प्रशंसा कर रहा था। उस धर्मात्मा ने सिर उठाकर कहा, मुझ में क्या गुण और क्या अवगुण है सो मैं ही जानता हूँ। तुम लोग मुझे केवल ऊपर से देखकर मेरे अच्छे कामों की प्रशंसा करते हो परंतु मेरे भीतर क्या है सो तुम्हें नहीं मालूम। आदमी मेरी बाहरी सूरत देखकर मुझे नेक समझते हैं परंतु अपने भीतर की नीचता के कारण मैं शर्म से सिर झुका लेता हूँ। मनुष्य मोर की उसके अंदर पंखों की वजह से प्रशंसा करते हैं पर वह अपने कुरूप पैरों के लिए लज्जित रहता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अपने गुण दोषों को जितनी अच्छी तरह से हम खुद जानते हैं उतनी अच्छी तरह अन्य लोग नहीं जान सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने दोष पर नजर रखें और उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। तो ये दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।